नमस्ते, मेरा नाम बावन प्रकाश है। मैं ऐश्वर्य अकादमी में हिंदी पढ़ता हूँ। आप मैं एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान सबका एक है। एक गांव में इब्राहिम नामक रहम दिल आदमी रखता था। यह आने जाने वाले यात्रियों को खाना देकर उनकी सेवा करता था। इब्राहिम भोजन के पहले प्रार्थना करता था। उसके साथ भोजन करने वाले यात्री लोग भी उसे दोहराते थे। इब्राहिम के मन में धीरे धीरे गर्व हो गया। वह समझने लगा कि उसका धर्म ही सबसे अच्छा और बड़ा है। एक दिन इब्राहिम के घर एक बूढ़ा आया। भोजन के पहले इब्राहिम ने हमेशा की तरह प्रार्थना की। बूढ़ा अग्नि की पूजा करने वाला था, इसलिए उसने प्रार्थना नहीं दोहराई। इससे नाराज हो गए इब्राहिम ने बूढ़े को घर से निकल दिया। तब इब्राहिम के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। उससे कहा, इब्राहिम तुमने बूढ़े को खाना ना दो कर गए और बूढ़े आदमी से माफी मांगी। बूढ़े ने पूछे, क्या आप तुम समझ गए कि भगवान सबका एक है? यह सुनकर इब्राहिम को आश्चर्य हुआ, क्योंकि देवदूत ने भी यही बात कही थी। धन्यवाद।